हाबील के कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जैसा नेक बेटा अता फरमाया। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सच्चे जानशीन हुए और आगे चलकर पूरी नस्ल इंसानी का सिलसिला उन्हीं से चला। अल्लाह ताला ने उनको नबूवत से नवाजा और 50 सहीफे उन पर नाजिल फरमाए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ही ने नमाज जनाजा पढ़ाई। उन्होंने हजूरा नामी औरत से निकाह किया और उनसे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी मक्का में गुजारी और हर साल हज और उमरा करते रहे। उनको दिन और रात में मुख्तलिफ इबादतों का तरीक़ा सिखाया गया था और एक बड़े तूफ़ान के आने और 7 साल तक रहने की खबर दी गई थी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने 912 साल की उम्र पाई। जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो अपने बेटे अनवश को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की वसीयत फरमाई। वफात पाने के बाद अपने वालदेन के पहलू में जबल अबी कबीस के गार में दफन किए गए।